अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक मेरी प्यारी प्यारी फैमिली को कभी कोई तकलीफ ना दे, और यही दुआ आप लोग मुझे भी दे दिया करें, इसलिए मुझे भी बहुत दुआ की ज़रूरत है। और बस आमीन सुम आमीन, सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आज हम लेने जा रहे थे अपने छोटे भाई को, पूरे एक साल बाद आ रहा है, और अम्मी की खुशी बहुत थी आज, अम्मी बहुत एक्साइटेड हो रही थी और बस हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। चलें अम्मी जान, कितनी खुश हैं आप। मेरा बेटा आ रहा है ना। कितने, एक साल के बाद? एक साल के बाद आ रहा, तो बहुत खुश हो रही होंगी आप तो ना। बस ये हम लोग निकल चुके थे और गाड़ी पता है रास्ते में खराब हो गई थी अम्मी की, तो फिर ये शफीक साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने दूसरी गाड़ी ली, चेंज की, और आज शफीक साहब जा रहे हैं हम लोगों के साथ। और वैसे हमें यकीन नहीं आ रहा था कि पता नहीं सच है ये झूठ है, फिर भी हमने उनको कन्फर्म कॉल की कन्फर्म करने के लिए कि भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं दुबई में हूँ और बस 1:45-2 बजे तक मेरी फ्लाइट जो है ना कराची आ जाएगी और बस आप लोग लेने आ जाइए। तो हमने कहा चले, अगर इतनी कन्फर्म वो कह रहे हैं तो फिर हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट। अच्छा यकीन नहीं आ रहा था, पता है एक साल के बाद हमारा छोटा भाई आ रहा था। अरसलान ये है कि 2-3 दफा चक्कर लगा के जा चुके हैं उनके काम वगैरह के सिलसिले में, और ये कि बस हम ये एयरपोर्ट वगैरह पहुंचने वाले हैं। और पता नहीं हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है ना, मैंने कहा आज का व्लॉग मैं अपना यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ और बस अब देखते हैं आते हैं या नहीं। ये वॉक करके जा रहे हैं राहिला और मैं, दोनों जनिया हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, और हम बहुत एक्साइटेड हैं अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक साल बाद पूरे पाकिस्तान आ रहा है और बहुत ही प्यारा और मेरा चहता भाई है वो। वाकई बहुत प्यारा, और उसको पता फी दूर है। अभी हम पैदल वॉक करके जा रहे हैं, हमें उन्होंने हमने उनसे इतना बोला कि हमें अंदर जाने दें, एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है से ज़्यादा जी। तो फिर इन्होंने हमें यहाँ बिठाया था, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से वॉक करके एयरपोर्ट पे इंटर कर सकते हैं। ये देखिए वहाँ से दुनिया जी ठीक है। रायला बहुत ज़्यादा खुश हो रही है मुझे लग रहा है। नहीं मुझे सर्दी बहुत लग रही है। और ये देखिए सामने नज़र आ गया, इतनी भी वॉक नहीं कर रही है हमने, मुझे सर्दी बड़ी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन प्लेस है, तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है जी। ये ठीक है, चलें बस अभी पहुँचते हैं। अच्छा उन्होंने हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया था, जहाँ वेटिंग रूम था उधर बिठा दिया था, मगर वहाँ जेंट्स ज़्यादा थे, तो हमने खुद ही रिक्वेस्ट की कि आप की कि हमें अंदर जाने दें। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप बैग से चली जाइए और ये वॉक करके बस हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट आ चुकी है, थोड़े हम लोग लेट हो गए। अम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है मुझे ना, बहुत ज़्यादा। मेरी माँ का बाबू आ रहा है। हाशिम, हाशिम, बहुत खुश है मेरी माँ, बहुत ज्यादा। हाँ बाबू आया है, अम्मी का बाबू आया है, एक साल बाद। ये बात आप भी आए हो चाचू को लेने, फिर आप आए कि नहीं? बुरी हालत हुई है, ये अंधेरा क्यों हो गया? अंधेरा हो गया था ना। ठीक है, खुश हो, हैप्पी हो? ये बैग तो पीछे रख दो ना।
अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह भाई घर पे पहुंच गए थे और वाकई इतने सादे से सिंपल से भाई हैं कि बस मैं मोटा हो गया ना, देखो अम्मी मैं दुबला तो नहीं लग रहा, अम्मी गरी नहीं, मेरा बेटा बहुत दुबला लग रहा है मुझे। और बस अब मैं भी घर जाती हूँ और ये शफीक साहब बाहर इंतजार कर रहे थे और हबीबुल्ला को लेना था इसलिए मैं यहाँ आई, मन नहीं तो मैं घर डायरेक्ट चले जाती। अब इंशाल्लाह सुबह मुलाकात करते हैं दोबारा। ये क्या किया आपने मामा को, ये क्या किया आपने, नाराज हो? भाई मैं आपको इसलिए लेके नहीं गई ना बेटा कि एयरपोर्ट पे जाते नहीं है ना बच्चे, नाराज नहीं हूँ मुन्ने? ये बस देखें हबीबुल्ला की शरारतें देख रहे हैं आप लोग, मैं वीडियो बना रही हूँ मुन्ने, चलें भाई ये तो चलता रहेगा। हबीब काफ़ी नाराज़ हो गए थे रात में कि मुझे क्यों नहीं लेके गई, अब हाशिम को लेके गई। और ये पता है सुबह 6 बजे का टाइम था, 6:30 बजे अजान होने लग गई है, सॉरी जमात होने लग गई है, तो बस ये शफीक साहब वॉक करके, मैं नहीं गई थी वॉक पे, हलवा पूरी लेकर आए, मज़ेदार सी हलवा पूरी खाते आप लोग भी आए और बहुत मज़ेदार हो रही थी। और बस ये मैंने TV चलाया कि एक तिलावत लगा दूँ। अच्छा हबीबुल्ला के लिए मैंने नाश्ता बनाया और मुझे नहीं पता ये रात से नाराज है ना, क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि मामा मैं नहीं कर रहा नाश्ता। मैंने कहा बेटा ही मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने खा लिया है, ये आपके लिए और बिलाल भाई के लिए बनाया। तो कह रहे नहीं मामा मैं नहीं खा रहा। अच्छा इतनी नाराज़गी इनकी थी और मैंने इनको बोला ना, मैं अभी वीडियो में सबको बता रही, तो एकदम हंसने लग गए और नीचे आ रहे हैं देखे। और बस अभी भाई से मिलने जाते हैं, वो सुबह से हमें बुला रहे हैं, बस अभी चलते हैं नानी के घर पे हबीबुल्ला। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए भाई इसलिए बुला रहे थे कि बस आप आएं और ये चॉकलेट वगैरह टॉफीज वगैरह जो लेकर आए इनके हिस्से बनाएं और ये सबको दें। और देखिए माशाल्लाह बहुत सारा सामान लेकर आए, इंशाल्लाह मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। और भाई बहनों का तो लेना देना चलता रहता है और अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत रखे, और वैसे भी लेने देने से मोहब्बत नहीं होती है, असल मोहब्बत तो जो है ना दिल में होनी चाहिए बस, और यही मोहब्बत रहती है। आज बाबू खाएंगे पुलाव बिरयानी, मज़ेदार घर की बनी हुई ना। आप लोग भी आएँ खाना खाएं हमारे साथ और देखें, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।